तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है? आप सभी के हो फुली और सभी बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। हाँ तो भाई, आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग बांग्लादेश सर्वर में कैसे जा सकते हैं, यानी कि हम लोग बांग्लादेश सर्वर के अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड कोई भी VPN को डाउनलोड किए बिना। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। हाँ तो भाई, आपको बांग्लादेश सर्वर के अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी गेम की सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है तब गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाली लैंग्वेज है, अभी आप लोग इसको देख सकते हो यहाँ पर लाइक जो बांग्ला टाइप का लिखा हुआ ना गाइस, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके ओके करना है और इसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म कर देना है और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ से अपने गेम को क्लोज कर देना है एंड गेम को क्लोज करने के बाद अगेन से आपको अपने गेम को ओपन कर लेना है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ से अपने गेम को ओपन कर लिया है। हाँ तो भाई, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गेम है वो कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। सो गेम को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ से अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है, ठीक है? एंड लॉग आउट करने के बाद गाइस आपके पास क्या क्या होना चाहिए बांग्लादेश सर्वर के अकाउंट बनाने के लिए, अभी के लिए आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ गाइस। यार भाई, वैसे तो इसके लिए आपके पास कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड कोई भी VPN की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, लेकिन मेरे भाई आपको बांग्लादेश सर्वर के अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कोई फ्रेश अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की ID नहीं बनाई। लाइक अगर आपके पास कोई फ्रेश फेसबुक का अकाउंट है जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की ID को नहीं बनाया, तब आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई गूगल VK ट्विटर का कोई फ्रेश अकाउंट है जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की ID नहीं बनाया, तब गाइस आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसी के साथ साथ अगर आपका जो गिफ्ट का अकाउंट है वो डिलीटेड है तब भी गाइस आप लोग बांग्लादेश सर्वर में जा सकते हैं। सो गाइस, मेरे केस में मेरा जो गिफ्ट का अकाउंट है वो ऑलरेडी डिलीटेड है, तब मैं सिंपली यहाँ पर गिफ्ट के अकाउंट से जाने वाला हूँ। लेकिन मेरे भाई, अगर आपका जो गिफ्ट का अकाउंट है वो पहले से बना हुआ है और आप लोग उसको डिलीट करके बांग्लादेश सर्वर के अकाउंट बनाना चाहते हैं, तब गाइस आपको इस वीडियो को देख लेनी है। इस वीडियो से आपको पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा कि आप लोग गिफ्ट के अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ में। सो गाइस, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसी के साथ साथ आप लोग आई बटन में भी क्लिक करके इस वीडियो को देख करके अपना गिफ्ट के अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। हाँ तो मेरे भाई, मेरा जो गिफ्ट के अकाउंट है वो तो डिलीटेड है, तब मैं सिंपली यहाँ पर गिफ्ट के अकाउंट में क्लिक करता हूँ। लेकिन मेरे भाई, अगर आपके पास कोई फेसबुक गूगल का फ्रेश अकाउंट हो तब आप लोग सिंपली उसको ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग सिंपली यहाँ पर गिफ्ट के अकाउंट में क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर टैप टू वीगन के ऑप्शन में क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तब आपको सिंपली यहाँ पर सबसे नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ गाइस आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पे नेम डालना है, जो भी आपको नेम हो। सो गाइस, मैं यहाँ पर अपना नेम नहीं डालने वाला, लेकिन आप लोग यहाँ पे अपना नेम अच्छे से डाल लेना और नेम डालने के बाद आपको अगेन इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आने वाला है, तब आपको यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल देखना पड़ेगा। सो गाइस, इसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद अगेन आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तब आपके सामने एक छोटा सा गेम ओपन हो जाएगा। सो अभी मैं उस गेम को फिनिश करके आ रहा हूँ। हाँ तो भाई, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे सामने एक छोटा सा गेम ओपन हो गया था, हम लोग सिंपली इसको फिनिश करके आ चुके हैं। एंड गाइस, अभी चल मैं आपको सबसे पहले यहाँ से अपना रीजन दिखा देता हूँ कि ये बांग्लादेश सर्वर के अकाउंट है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करते हैं एंड गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बांग्लादेश तो आ चुका है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है वो आपको चेंज दिखाई दे रही होगी। सो इसकी लैंग्वेज को ठीक करने के लिए आपको सिंपली इस ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर ये जो दो एरो दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद अगेन यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपको अपने गेम को क्लोज करके अगेन से ओपन कर लेना है, जिससे कि गाइस ये जो लैंग्वेज है वो अगेन इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगी। हाँ तो भाई, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दोबारा से अपने गेम को ओपन करके आ चुके हैं। एंड गाइस, अभी आप लोग सबसे पहले मेरा यहाँ से रीजन देख सकते हैं जो कि बांग्लादेश आ चुका है, जिसको कि अभी आप लोग देख सकते हो। और इसी के साथ साथ गाइस, अभी आप लोग यहाँ के कुछ इवेंट वगैरह भी देख सकते हैं, जिससे कि गाइस आपको कन्फर्म हो जाएगा
ये बांग्लादेश सर्वर का ही अकाउंट है। सो अभी आप लोग यहाँ के कुछ इवेंट वगैरह भी देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि आप लोग बांग्लादेश सर्वर के अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड कोई भी VPN को डाउनलोड किए बिना। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता है। मैं मिलता हूँ सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।